अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आशमाज किचन। आज हम आपके लिए लाए हैं बेहद चटपटी और मसालेदार चाट, जिसके हमने बनाया है देसी चने से। हाँ, अब बहुत टेस्टी बनती है ये चाट। अगर आप एक बार बनाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। देखने से ही बहुत ही यम्मी लग रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें बहुत सारी वेजीज भी हमने डाली हैं और चना भी एकदम सॉफ्ट हो गया है। नींबू वगैरह के टेस्ट से ये एकदम मज़ेदार बनती है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर देसी चने लिए हुए थे और उसको हमने एक कटोरी चनों को हमने 5 से 6 घंटे के लिए सोक कर दिया था। तो ये देखिए, ये फूल चुके हैं। अब हम इसको प्रेशर कुक करेंगे। तो प्रेशर कुकर में इन सब चनों को डाल दें, इसमें थोड़ा पानी डाल दें। पानी अपने हिसाब से आप डाल दें जितने कि चने आपके डिप हो जाएं। और इसमें मिर्ची और खड़ा नमक डालकर हम यहाँ पे प्रेशर कुक करेंगे। मिर्ची और नमक से चनों के अंदर तक बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब हम खोल के देख सकते हैं, चने बॉयल हो चुके हैं। अब इसमें स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लें एक्स्ट्रा पानी को, और देखें चने अच्छी तरह गल भी चुके हैं। और अब इसमें हम मसाले इसके लिए तैयार करेंगे। तो 1 चम्मच मिर्ची, आधी चम्मच धनिया, आधी चम्मच भुना पिसा ज़ीरा, और चाट मसाला, और काला नमक और सफ़ेद नमक, इन सबको पानी में डालकर एक सॉल्यूशन बना लेंगे। इन सभी मसालों से बहुत ही परफेक्ट टेस्ट आता है चाट का। तो ये देखिए, हमारा मसालों का जो सॉल्यूशन था तैयार हो गया। अब हम एक पैन में 1 चम्मच सरसों का तेल लेंगे और ये जो मिर्चियाँ हैं चने के ऊपर से वो निकाल देंगे। तेल गर्म हो जाने के बाद हमने डाल दिया है इसमें ज़ीरा। सरसों के तेल में आप इसे बनाएं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बस एक बार उसे तेज़ गर्म करें, फिर ठंडा होने दें। अब हमने इसमें डाल दी है थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्ची, और यहाँ पर हमने डाल दिया है वो मसाले का सॉल्यूशन जो हमने अभी तैयार किया था। इसको थोड़ा सा भून लें जब तक कि इसमें से ऑयल बाहर ना आ जाए। अब हम देख सकते हैं कि ऑयल इसमें से बाहर आ चुका है। अब इसमें सारे चनों को ट्रांसफ़र कर दें। नमक आप अपने हिसाब से ही ऐड करिएगा इसमें, जैसा आप खाते हैं। तो यहाँ पर चनों को अच्छी तरह से आप चला लें, चलाते हुए इन्हें पका लें। बहुत टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। और इस चने को आप इफ्तार में खाएं तो बहुत टेस्टी लगेंगे। वेजीज मिला के खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेंगे। बच्चे भी इसे बहुत इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, चने चलाते हुए कितने अच्छी तरीके से हमने उन्हें मसालों में कोट भी कर लिया है। अब हम इसको एक बोल में निकाल रहे हैं। यहाँ बोल पर हम सर्व करने के लिए नहीं, यहाँ पर इसको हम ठंडा करने के लिए निकाल रहे हैं। जब हमने ठंडा कर लिया तो हमने इसको दूसरे बड़े बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसमें हमने डाली है 1 कटोरी प्याज बारीक कटी हुई, 2 आलू लिए हैं हमने मीडियम साइज़ के, उन्हें काट लिया है, बॉयल थे ये आलू, और 2 टमाटर जिन्हें हमने काट लिया है, और यहाँ पर हमने लिए हैं 2 खीरे, और ये देसी खीरे हैं। और यहाँ पर हम डाल देंगे 1 नींबू का रस। जो खीरे अगर आप नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं, वरना अगर अभी तक आपने नहीं खाएं तो इसे ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। खीरों से बहुत अच्छा टेस्ट आता है आपकी चटपटी चाट में। और ये हमने डाल दी है कटी हुई हरी मिर्ची। हरी मिर्ची हमने पहले भी यूज़ की थी, इसलिए यहाँ पर हमने सिर्फ 1 हरी मिर्ची का यूज़ किया है। और हमने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा हरा धनिया। और अब इस चाट को आप अच्छी तरह से मिला लीजिए, बहुत इजीली बनकर तैयार हो जाती है। और खाने में मतलब यकीन मानिए कि बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और ये देखिए, अब हमने यहाँ पर इसे सर्व कर लिया है 1 सर्विंग प्लेट में। तो खाने के लिए रेडी हो जाए सभी लोग। बहुत मज़ा आता है इसे खाने में, इंजॉय करते हैं। इवनिंग स्नैक्स में भी आप इसे बना सकते हैं। ये हेल्दी भी है क्योंकि प्रोटीन से भरपूर इसमें चने हैं, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर यहाँ पर आलू डला हुआ है, और विटामिन्स वगैरह से, और रफेज और वाटर क्वांटिटी से बनी हुई हमारी कुछ वेजीज़। तो ये है परफेक्ट कॉम्बो। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।